कार्तिक आर्यन किसी कॉपी करते थोड़ा एक्टिंग में, अक्षय कुमार का हो गया यानी दूसरे दूसरे, और अल्लू अर्जुन का उनका खुद का स्वैग है, तो इसके लिए कंपेयर तो यार अभी भूल जाओ उनका। एवरेज है मूवी, उतना मुझे मजा नहीं आया मूवी को देखने में। इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है, अल्लू अर्जुन वाला ठीक है। अल्लू अर्जुन है। कार्तिक आर्यन का रोल लाइक उसने फर्स्ट टाइम एक्शन मूवी की थी। शहजादा यार मुझे मजा नहीं आया। प्रॉब्लम क्या लगा? क्योंकि मैंने एक तो ओरिजिनल देखा हुआ है। शहजादा यार 50 करोड़ कम कर दे तो भी बहुत है। मेरे को लास्ट वाला गाना थोड़ा थोड़ा ठीक लगा था, और बाकी का सॉन्ग था कोई मतलब ही नहीं हुआ, कोई मजे नहीं आएगा सॉन्ग में। ऐसा कुछ रहेगा कि पब्लिक ज़्यादातर वो सॉन्ग सुने, ऐसा कुछ नहीं था। प्रीतिक सिन्हा को तो उनको ना ग्लैमर के लिए यूज़ किया गया है, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। एक नंबर, मज़ा आया, देखने लायक पिक्चर है। क्या अच्छा लगा आपको? उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है कार्तिक आर्यन ने। नहीं, अल्लू अर्जुन एक्टिंग और उसका जो एक्शन था लास्ट में वो अच्छा लगा। स्टोरी लाइन तो एक नंबर। हाँ चलेंगे ना, क्यों नहीं चलेंगे, दौड़ेंगे, चलने की बात नहीं है। ये उससे ज़्यादा जाएंगे। पाँच में से पाँच है भाई, एक नंबर। अरे एक नंबर पिक्चर। कार्तिक आर्यन का रोल लाइक उसने फर्स्ट टाइम एक्शन मूवी की थी। अल्लू अर्जुन की फिल्म का कॉपी है, आपको लगता है उसने अच्छा रोल किया? हाँ बहुत अच्छा किया। फिल्म में क्या अच्छा लगा? स्टोरी जो थी वो अच्छी थी। हाँ इमोशंस। पठान एज कम्पेयर टू पठान तो नहीं, हाँ लाइक ठीक थी, ओके। हाँ ना ना उसके जितनी वैसा नहीं था। या शायद 4। शहजादा यार मुझे मज़ा नहीं आया। प्रॉब्लम क्या लगा? क्योंकि मैंने एक तो ओरिजिनल देखा हुआ है, और ओरिजिनल देखने के बाद तो इसमें जो ये लोग ने चेंजेस किया है ना स्टोरी, तो वो माइनस पॉइंट। यानी जो अलाई वैकुंठापुरम की जो ओरिजिनल वाली थी उसके अंदर जैसे कोर्ट रूम सीन हो गया, और अल्लू अर्जुन का स्वैग हो गया, डांस हो गया, और उस मूवी के गाने हो गए, उस हिसाब से यार ये 5% भी नहीं है ये मूवी। हाँ वही कोर्ट रूम सीन जो दिया था बॉर्डर वाला, वो पूरा कोर्ट काट दिया यार, तो मज़ा नहीं आया वो। हाँ वो सब इसमें ज़्यादा रोल तो नहीं दिया कीर्ति सेन को, मगर जितना भी दिया ठीक दिया। हाँ देखा जाएगा, कुछ भी नहीं जमा सच बोलो। यानी वो इमोशनल जो उसके अंदर इमोशन था ना, वो इसमें जमा ही नहीं है, समझ रहे हो। कार्तिक आर्यन का यार काम बढ़िया है उसका, उसका कुछ वो नहीं है। बाकी जो डायरेक्टर बोलते हैं ना, डायरेक्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, बाकी इन्होंने सोचा कि हम कुछ नया चेंजेस करें, वो चेंजेस ही इनकी गड़बड़ हो गई दोस्तों। अरे वो नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं करता है, बाकी फ्यूचर में करेगा तो बोल नहीं सकते, बट अभी तो यार कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी 10% भी नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि कार्तिक आर्यन किसी कॉपी करते थोड़ा एक्टिंग में, अक्षय कुमार का हो गया यानी दूसरे दूसरे, और अल्लू अर्जुन का उनका खुद का स्वैग है, तो इसके लिए कंपेयर तो यार अभी भूल जाओ उनका, समझो। सब गाने इस फिल्म का सबसे माइनस पॉइंट यार गाना था, यानी एक भी गाना शूट ही नहीं हो रहा है स्टोरी के हिसाब से, तो गाने में कुछ मज़ा नहीं आया। सलमान खान का गाना भी रिमेक किया है जो वो भी एक वो एंडिंग में डालना है, तो एंडिंग में पब्लिक देखती है नहीं देखती है, वो खाली यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए लोग डाल देते हैं, बाकी इन्होंने गलती कर दी टी सीरीज ने गाना रिमेक करके। हाँ बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अच्छे गाने की बैंड बजा दी है, समझे। तो ये परेश रावल ने भी अपना एक्टिंग अच्छा, इसमें देखा जाए सबने अपना एक्टिंग अच्छा किया है, बट जो डायरेक्टर है ना उनसे मिस्टेक हो गया बस, जो प्लस पॉइंट डालने की कोशिश की है ना जो चेंजेस करके, उधर थोड़ा मिस्टेक हो गया मूवी में। बाकी जितने भी कैरेक्टर है वो लोग ने अपना काम एकदम परफेक्ट किया, बट वो राजपाल यादव का सीन लिया यार क्या है, कुछ उनको डायलॉग तक नहीं दिया है कुछ, खाली आहू आहू करते रहते हो यार, इतने अच्छे कॉमेडियन को इन्होंने वेस्ट कर दिया ना। वही साउथ में आप देखा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद है, उनको थोड़ा डायलॉग दिया है, कॉमेडी है, सब दिया, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिया। सबको वेस्ट कर दिया देखा जाएगा तो, मनीषा कोइराला का तो यार जमा ही नहीं, समझ रहे। उसमें तेलुगु में तो समझो तब्बू थी, उनका काम एकदम परफेक्ट।
समझ रहे हो। कार्तिक के लास्ट फिल्म में भूल भुलैया 2 जब थिएटर में आई थी तो 180 करोड़ का बिजनेस किया था, आपको लगता है शहजादा उसके आसपास कहीं जाएगा? शहजादा यार 50 करोड़ कम कर दे तो भी बहुत है, क्योंकि 90% नहीं तो कम से कम 80% लोगों ने ओरिजिनल देखा हुआ है, समझ रहे हो, और उससे फिर कंपेयर तो होने ही वाला है। तो इस हिसाब से यार ये 10% भी नहीं है उसके सामने, तो शायद मूवी नहीं चलेगी ऐसे देख। अभी जो पैन इंडिया फिल्म्स का दौर चल रहा है, आपको लगता है साउथ की फिल्म जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं रीमेक करना ये बंद होना चाहिए बॉलीवुड में? अभी क्या बोल सकते हो यार, दृश्यम 2 हिट हो गई उसके बाद फिर से दृश्यम 2 भी चलो तो क्या, ओरिजिनल वाला ये लोग ने हिंदी में छोड़ा नहीं था, उसको रोक के रखे थे ये लोग ने, उस वजह से वो हिट होगा। अगर वो भी पहले अगर आ जाती तो पब्लिक को तो सस्पेंस मालूम गिर जाता, तो फिर वो भी नहीं चल पाता था ऐसा। तो ओवरऑल आपको लगता है बॉक्स ऑफिस पे क्या चलेगी फिल्म या नहीं? बॉक्स ऑफिस पर यार मेरे को तो मुश्किल है। हाँ बाकी थोड़ा बहुत जो ओरिजिनल नहीं देखा रहेगा वो शायद देख लेगा, उनको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। तो पठान यू नो 500 करोड़ कर दिया उसके बाद बहुत उम्मीदें जगी है कि बॉलीवुड कंटिन्यू फेथ देगा, आपको लगता है शहजादा उस पे नहीं, शहजादा फ्लॉप जाएगा। ओवरऑल कितने 5 में से कितने स्टार? 5 में से 1.5 स्टार हुआ था यार। बाकी कार्तिक आर्यन ने अपना काम बराबर किया उसमें वो नहीं है, बाकी वो डायरेक्टर की गलती है, इसके वजह से मूवी जा सकती है। एवरेज है मूवी, उतना मुझे मज़ा नहीं आया मूवी को देखने में, क्योंकि कहीं कहीं ओवर सीन किया गया है तो इसकी वजह से मेरे को मज़ा नहीं आया। ओरिजिनल फिल्म देखी अपने अल्लू अर्जुन? हाँ देखा था। रीमेक या जो अल्लू अर्जुन का स्वैग होता है कार्तिक आर्यन में उतरा है उसमें तरह से? नहीं उतना नहीं लगा, कोशिश की है उन्होंने उतना, बट उतना मज़ा नहीं आया उसके साथ। कार्तिक आर्यन फर्स्ट टाइम एक्शन करते हुए दिखे, आपको लगता है उनका ये जोन लोगों को पसंद आएगा और आपको कितना अच्छा लगा? मुझे तो उतना नहीं आया, मुझे नहीं लग रहा कि उतना आएगा, कहीं फाइटिंग सीन दिया गया, इमोशनल सीन भी दिया गया, ऐसा नहीं है, बट उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा। फिल्म में आपको क्या लगा, क्या कमी रहेगी फिल्मों में? मूवी के अंदर उतना मेरे को जो उनका जो डायलॉग था, जो इनका एक्शन सीन्स है, वो इसमें उतना नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा। वो सॉन्ग के साथ में मैच कर रहा था, फाइटिंग के साथ में मैच कर रहा था, वो इतना मैचिंग नहीं था। स्टोरी लाइन आपको लगता है वीक रह गई फिल्म? हाँ थोड़ा वीक रह गई है। सॉन्ग अलावा वैकुंठपुरम के सब सॉन्ग सुपर हिट थे, गुड्डा मम्मा हो या रामलो हो, बट इस फिल्म में एक गाना मतलब एक गाना सलमान का रीमेक किया और बाकी गाने हैं, तो गाने आपको कैसे लगे? मेरे को लास्ट वाला गाना थोड़ा ठीक लगा था, और बाकी का सॉन्ग था कोई मतलब ही नहीं हुआ, कोई मजा ही नहीं आएगा सॉन्ग में, ऐसा कुछ रहेगा कि पब्लिक ज़्यादातर वो सॉन्ग सुने, ऐसा कुछ नहीं था। उनका तो कृतिक सिन्हा को तो उनको ना ग्लैमर के लिए यूज़ किया गया है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं उसमें सॉन्ग में। तो बाकी जो एक्टर्स हैं सीनियर एक्टर्स मनीषा कोइराला, परेश रावल, हाँ खेड़ेकर, इनके रोल सब? हाँ उन लोग के जो दिया गया था रोल उनको स्ट्रेट है, काम जो किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो कुल मिलाकर आपको लगता है बॉक्स ऑफिस पे फिल्म हिट होगी? नहीं हिट तो नहीं, मुश्किल है हिट होना, क्योंकि वो मूवी की तरह उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो इसके लिए मुझे नहीं लग रहा है ठीक ठाक है। वन टाइम और चलेगी, 1 वीक या 2 वीक 2 वीक खींचेगी, उतना खींच पाएगी, बहुत मुश्किल है चलना। तो आपको लगता है कार्तिक आर्यन ने फर्स्ट टाइम ऐसा साउथ में किया ऑफिशियली, तो मतलब ये बंद होना चाहिए अगर ऐसी फिल्में बना रही है? अगर ऐसी मूवी चलती रहेगी तो मुश्किल है, क्योंकि सब लोग पैसा डाल रहे हैं, सब ऑडियंस आती है देखने के लिए, कोई उम्मीद लेके कुछ अच्छा करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है, तो मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा। कार्तिक की पिछली फिल्म में हाँ भूल भुलैया 2 में काफ़ी अच्छा किए थे, हाँ बिजनेस किया, आपको लगता है ये फिल्म उसके? नहीं 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 मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भूल भुलैया मुझे भी ट्रेलर में उतना मज़ा नहीं आया था, जब मूवी देखने आया था तो हाँ सच में मूवी थी, वो जो किए थे अच्छा लगा मेरे को, बट इसमें वैसा नहीं लग रहा है कुछ। 2.5 स्टार।